आज मैं आपको वेरोनिका मूवी के पीछे की एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। वेरोनिका मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये वो लड़की है जिसके साथ ये सब हुआ था। इस लड़की का नाम स्टेफनिया लजारो है जो कि स्पेन के मैड्रिड शहर में रहती थी। तो हुआ ये था कि स्टेफनिया की एक दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो ये अपनी दो दोस्तों के साथ उइजा बोर्ड के जरिए उस लड़के के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा करते हुए उसे उसकी स्कूल की एक टीचर देख लेती है और वो उस उइजा बोर्ड को वहीं तोड़ देती है। और तभी अचानक से वहां से एक व्हाइट कलर का धुआं निकलता है और वो स्टेफनिया की बॉडी में एंटर कर जाता है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। स्टेफनिया अपने कमरे की दीवारों को नाखून से खुरचने लगती है, उसे एक काला साया दिखाई देने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। और फिर अचानक से एक दिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत के एक हफ्ते बाद ही उसके घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती हैं। स्टेफनिया के कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं, कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कमरे की दीवारें नाखून से खुरची हुई मिलती हैं। और ऐसी और भी कई पैरानॉर्मल घटनाएं उस परिवार के साथ हुई और बाद में इन्हीं सारी घटनाओं पर वेरोनिका फिल्म को बनाया गया।